हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन टुडे सेशन माय डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओके टुडे वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओके वी हैवे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड विद अ डिफरेंट नेम राइट सो हम आज उनके बारे में जानेंगे फर्स्ट पार्ट इज ड ओके देखिए पिक्चर हैड हेड इज अ कवर विदर किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं किसी के कर्ली होते हैं किसी के प्लेन होते हैं राइट बट सब के हेड पे कवर किसका होता है हेयर राइट देन नेक्स्ट पार्ट इज आइज वट इज़ द यूज ऑफ आइज वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आइज राइट चीज़ कौन सी चीज़ कितनी दूर है हमसे उसका कलर कौन सा है वो हमसे नज़दीक है कि दूर है राइट right? ये सब हमें किसकी वजह से पता चलता है आइज़ राइट देन नेक्स्ट पार्ट इज़ ईयर्स वी कैन हीयर द साउंड विथ हेल्प ऑफ ईयर्स राइट हमें कुछ भी आवाज़ सुनाई देती है किसके हेल्प की वजह से ईयर्स राइट right? अगर अगर मम्मा आवाज़ देती है या फिर फ़ोन की रिंग बजती है या फिर बेल बजती है डोर बेल बजती है तो ये हमें सुनाई किस वजह से देता है विद द हेल्प ऑफ ईयर्स करेक्ट नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट इज नोज देखो हम हमेशा सांस लेते हैं राइट right? मतलब हम ब्रीथ करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की हमें स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है नोज़ नोज इज द पार्ट विच इज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल करेक्ट वो चाहे ओ, मतलब स्मेल अच्छी हो चाहे बुरी हो वो हमें पता किस की वजह से चलता है नोज़ की वजह से चलता है करेक्ट ना नेक्स्ट पार्ट इज़ माउथ माउथ के अंदर भी बहुत से पार्ट होते हैं लाइक टंग टी लिप्स राइट हम मतलब माउथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं खाना खाने के लिए स्पीक मतलब बोलने के लिए या फिर स्माइल करते हैं माउथ से राइट right? और uh, जो भी कुछ हमें बोलना है या फिर कराये uh, मतलब रोना है या फिर हंसना है हमें <coughs> खांसी होती है या फिर कुछ भी हम आवाज़ जो निकालते हैं वो हम किस वजह से मतलब किसके थ्रू आती है माउथ करेक्ट है ना वी कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ माउथ राइट देन नेक्स्ट पार्ट इज़ नेक हमारी पूरी बॉडी मतलब बॉडी नेक पे मतलब हेड एंड एब्डोमिनल पार्ट मतलब जो अंदर चेस्ट एंड स्टमक का पार्ट जो है वो जॉइंट कहाँ होता है कौन से पार्ट पे होता है नेक पे होता है मतलब हेड एंड टोर्सो इट इज़ कॉल्ड टोर्सो टोर्सो मीन्स किसमें इंक्लूड होता है टोर्सो चेस्ट स्टमक एंड बैक टुगेदर कॉल टोरसो राइट टोरसो एंड हेड किसको जॉइंट होते हैं नेक की वजह से जॉइंट होते हैं नेक की वजह से हम हमारे हेड को मूव कर सकते हैं अप डाउन हेयर एंड देर राइट हम यहाँ वहाँ कहीं भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक द नेक्स्ट पार्ट इज शोल्डर करेक्ट शोल्डर सी द पिक्चर दिस इज कॉल अ शोल्डर देन नेक्स्ट इज एल्बो एल्बो में हमारा हैंड जो है वो बेंड होता है करेक्ट देन सी नेक्स्ट इज फिंगर्स फिंगर्स हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव वी हैव टेन फिंगर्स मीन्स ईच हैंड फाइव फिंगर्स बोथ हैंड वी हैव टेन फिंगर्स करेक्ट वी कैन होल्ड वी कैन थ्रो वी कैच विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड मोस्टली फिंगर्स की मूवमेंट की वजह से ये सारे जो मूवमेंट है इजीली हम कर सकते हैं ओके देन सी द नेक्स्ट पार्ट इज चेस्ट चेस्ट जब हम ब्रीड लेते हैं तो वो देखो इन्हेल एक्सहेल राइट हम जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट आगे बढ़ती है राइट ब्रॉड हो जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे चली जाती है करेक्ट ओके देन सी नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक वट एवर वी ईट इट गोज़ इन टू द स्टमक जो भी हम दिन में खाते हैं पीते हैं सब ज़्यादा कहाँ हैं हमारे माउथ के थ्रू जाता है वो स्टमक के अंदर राइट right? और वहाँ पर फिर नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू शुरू होती है अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है थाई सी दिस पार्ट इज कॉल थाई देन नेक्स्ट थाई देर इज़ अ नी हमारा जो लेग uh, होता है जो लेग है वो बैंड कहाँ होते हैं नी में बैंड होते हैं ओके okay? हम उसकी उनकी मूवमेंट की वजह से जैसे हम हैंड को एल्बो में बैंड करते हैं वैसे ही हम लेग्स को नी में बैंड करते हैं हमें बैठना हो चाहे फट से उठना हो कहाँ बैठे हुए हैं तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है हेल्प ऑफ नीज एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज़ फुट ओके जैसे हैंड में फिंगर्स होते हैं वैसे फुट के फिंगर्स को क्या कहते हैं टोज सेम लाइक वी हैव इच हैंड फाइव फिंगर्स सेम लाइक वन फुट फाइव टोज राइट इट मीन्स वी हैव टेन टोज राइट दो फीट में कितने टोज होते हैं टेन टोज होते हैं जिसकी वजह से हम मूव करते हैं हम वॉकिंग करते हैं हम किक करते हैं किसी भी बॉल को या फिर किसी चीज़ को राइट वी कैन रन वी कैन जम्प विद हेल्प ऑफ आर Legs, right, and foot. Okay, dear students. Next video, we will see the next topic. Till that, take care and stay safe, my dear students. Bye bye.